वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल. मैं हूँ साइमा पीरजादा एंड यू आर वॉचिंग साइमा पीरजादा रिएक्शन चैनल. आज हम लोग जो रिएक्ट करने वाले हैं जिस वीडियो पर, और ये वीडियो होने वाला है मतलब कि पाकिस्तानी पब्लिक वुमेन फीमेल्स जो हैं वो क्या कहती हैं इंडियन फीमेल्स के ऊपर. सो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, क्योंकि जब कंपैरिजन की बात की जाती है या फिर हम दूसरी कंट्री की बात करते हैं, और स्पेशली उस कंट्री की जो कि हमारी एक नेबरहुड कंट्री है और उसके साथ हमारे जो हैं वो सब एवरीथिंग जो है वो मिलता जुलता है, कल्चर मिलता है हर चीज़. तो उस चीज़ को हम देखेंगे कि उस कंट्री के बारे में लोग क्या सोचते हैं. और करते हैं वीडियो को स्टार्ट. सो ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. सो लेट्स स्टार्ट. देखिए, इंडिया जो है वहाँ पे वो एक काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री है, और वहाँ पे जो वुमेन्स हैं उनको बहुत ज़्यादा राइट्स हैं, जो हमारी कंट्री में इतने ज़्यादा राइट्स वुमेन के लिए नहीं दिए जाते. उनको एजुकेशन वाइज वो हमसे आगे हैं. उसके अलावा यहाँ हमारी सोसाइटी में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि वुमेन के लिए गलत समझी जाती हैं, जो कि इंडिया में बिल्कुल उनको लिबर्टी दी गई है. इसी डेफिनेटली इंडिया इज़ अ वेरी हार्ड वर्किंग कंट्री, और आपको पता है वहाँ डेवलपमेंट हमसे थोड़ी सी ज़्यादा है. मेरा ख्याल है माइंड सेट भी मैटर करता है. हम लोग अभी वी वॉन्ट फीमेल्स के वो डॉक्टर्स और टीचर्स और इस साइड पर ही आएँ, बट वेयर एज इंडिया थोड़ा सा एडवांस्ड है हमारे से ज्यादा ना, तो एजुकेशन वाइज भी दे अहेड ऑफ अस. आखिरकार पाकिस्तान की लड़कियों ने बताई दिया अपना असली दर्द. भारत के अंदर मुसलमानों को असुरक्षित कहने वाला पाकिस्तान, आज उसी की महिला और लड़कियों ने पाकिस्तान की पोल खोल दी है कि कैसे पाकिस्तान में महिलाओं को दबाया जाता है जबकि हिंदुस्तान में महिलाओं का साथ दिया जाता है. तो चलती है और इस वीडियो को देख लेते हैं, बात करेंगे इस वीडियो के लास्ट में. दुनिया में फीमेल पायलट्स की तादाद सबसे ज़्यादा इंडिया में है, इस हवाले से आपकी क्या राय है? इस हवाले से यही राय है कि पाकिस्तान में भी इसका काफ़ी करना चाहिए, बिकॉज फीमेल्स को आगे आना चाहिए. और पाकिस्तान में भी, लेकिन पाकिस्तान में इतना ये है कि फीमेल्स ज़्यादा आगे नहीं आ पाती, क्योंकि हमारे कल्चर की वजह से शायद. ये बड़ी अच्छी बात है, होना चाहिए, वीमेन एम्पावरमेंट होनी चाहिए. मैं तो चाहूँगी पाकिस्तान में भी ऐसा ही हो, ज़्यादा से ज़्यादा वीमेन एम्पावरमेंट. हमारे सोसाइटल इशूज़ भी हैं, खवातीन को इतना एक्सपोयर नहीं होता, बाहर नहीं निकलती. अब जैसे हम यहाँ पे खड़े हुए बात कर रहे हैं, हर कोई नहीं कर सकता इस तरीके से बात, लेकिन फिर भी बहुत बेहतरी आ रही है. हमारे एयरफोर्स में पायलट्स हैं, खवातीन पायलट्स हैं, बहुत ज़्यादा शऊर नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता लोग आ रहे हैं, सिर्फ आहिस्ता आहिस्ता भी बेहतरी है, बड़ी अच्छी बात है. लेकिन इंडिया में ज़रा ज़्यादा एक्सपोजर, आपको पता है वहाँ का हर चीज़ जो है उसमें वो तरक्की कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं. थैंक यू, थैंक यू. वहाँ पे एक्सपोजर बहुत है, तालीम को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है. पाकिस्तान में तालीम को कम इंपॉर्टेंस देना सबसे जो बड़ी वजह है शऊर ना होने की. डेफिनेटली इंडिया इज़ अ वेरी हार्ड वर्किंग कंट्री, और आपको पता है वहाँ डेवलपमेंट हमसे थोड़ी सी ज्यादा है. मेरा ख्याल है माइंड सेट भी मैटर करता है. बिल्कुल बिल्कुल. वी वांट फीमेल्स के वो डॉक्टर्स और आपका ध्यान कहीं हो रहा है, हमारा तरक्की में, तुम्हारे पीछे जाने में, आतंकवाद में, हमारे से ज्यादा ना. तो एजुकेशन वाइज भी दे अहेड ऑफ अस. वो लोग खवातीन को आई थिंक दे आर मेकिंग देम मोर इम्पॉर्टेंट सेगमेंट ऑफ योर सोसाइटी, ताकि वो इक्वली कॉन्ट्रीब्यूट करें, इसलिए उनकी डेफिनेटली डेवलपमेंट ज्यादा होगी. देखा जाए तो ये बहुत एक अच्छी चीज है. अरे तो भाई, इंडिया जैसे आपस में आ गए दोनों में, पाकिस्तान ये लेडीज जो है ना, इसका भी सुना है अमजद, ये खुद का चैनल है इनका. पाकिस्तान में भी ऐसी काफी गर्ल्स हैं जो एम्बिशियस हैं, कुछ करना चाहती हैं, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है उन्हें आगे बढ़ने नहीं देती. लेकिन अगर इंडिया में ये चीज देखी जा रही है, तो इसका मतलब है कि डेफिनेटली उनका सपोर्ट है, तो वो आज यहाँ पर है, इस मुकाम पर है. इंडिया में एक्चुअली ना फीमेल्स को राइट्स बहुत मिले हुए हैं, क्योंकि उनको यहाँ पे सब कुछ, यहाँ पे तो मैन वुमेन सब इक्वल है. लड़की है ये क्या कर लेगी, और ये सब चीज़ें ना काफ़ी, जैसे यूएस में भी, यूके में भी, सब लोग लेडीज़ को काफ़ी वैल्यू देते हैं ना, कि वो कुछ भी कर सकते हैं. तो इस वजह से ना, शायद इसी वजह से वहाँ पे लेडीज़ जो हैं आज काफ़ी तरक्की की हुई है उन्होंने, और उनको राइट्स, और उनको जो भी मतलब कि उनकी खुद की जो सेल्फ अर्निंग होती है वो खुद कर लेती हैं, क्योंकि उनको राइट्स बिल्कुल ना, क्योंकि उनको राइट्स वहाँ पे पूरे मिले हुए हैं. यहाँ दूसरी कंट्रीज़ के मुताबिक ना, वहाँ की लेडीज़ थोड़ी सी इंडिपेंडेंट हैं. देखिए, इंडिया जो है वहाँ पे वो एक काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री है, और वहाँ पे जो वुमेन्स हैं उनको बहुत ज़्यादा राइट्स हैं, जो हमारी कंट्री में इतने ज़्यादा राइट्स वुमेन के लिए नहीं दिए जाते. उनको एजुकेशन वाइज वो हमसे आगे हैं. उसके अलावा यहाँ हमारी सोसाइटी में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि वुमेन के लिए गलत समझी जाती हैं, जो कि इंडिया में बिल्कुल उनको लिबर्टी दी गई है. इसी वजह से मेरा ख्याल है कि वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ की वुमेन जो हैं वो हमसे आगे हैं, और वहाँ पर पायलट्स जो हैं वुमेन ज़्यादा हैं. बड़ी अच्छी राय है, उनके पेरेंट्स उनको परमिशन देते हैं, बहुत बड़ी बात है. परमिशन भाई, उनके पेरेंट्स भी उनको परमिशन की तरफ जा रही है, इसे हमारे मुल्क में भी आगे जा रही है, तो हर जगह अच्छी बात है. मेरे ख्याल से इस वजह से, क्योंकि वहाँ जो हकूक हैं इंडिया में फीमेल पायलट्स
फीमेल्स के लिए बहुत ज़्यादा होते हैं, उन्हें हर चीज़ के लिए इनकरेज किया जाता है, जिस भी फील्ड में वो जाए उन्हें इनकरेज किया जाता है। मेरी राय ये है कि यहाँ पर हमें ज़्यादा इंस्टीट्यूट्स खोलने चाहिए और ज़्यादा अवेयरनेस फैलानी चाहिए। पढ़ाई ठीक करो पहले तो यार, करें अपनी, पर हम नहीं करते। अगर रेशो की बात की जाए तो इंडिया की जो मतलब फीमेल पायलट्स के दौरान जो रेशो है वो 12% है और यूएसए की बात की जाए तो 5% है, जबकि पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान की जो रेशो है वो 0% है। क्या इंडिया वुमेन आने नहीं देते ना भाई वुमेन्स को आगे, हर फील्ड में उनकी वुमेन सब करेंगे, सब खुद ही करना है। बिल्कुल ऐसा ही है, वुमेन एम्पावरमेंट हर जगह होनी चाहिए। पाकिस्तान बातें तो करता है लेकिन वुमेन एम्पावरमेंट कहीं नज़र नहीं आती। अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में ख़वातीन को ज़्यादातर यही कहा जाता है इन्होंने पढ़ कर क्या करना है, 12वीं पास होगी तो चलो जी शादी की तैयारी कर ली। लड़की आगे पढ़ना भी जाती है तो उन्हें पढ़ने का मौका नहीं दिया जाता। बहुत सारे लोग जो हैं वो अपनी काबिलियत होने की होती तो है उनमें, लेकिन हालात ऐसे नहीं होते, फैमिली की सपोर्ट नहीं होती तो लड़कियां दब कर बैठ जाती हैं घरों में, फैमिली की माननी पड़ती है। लेकिन अगर इंडिया में ये देखा जाए तो डेफिनेटली उनकी एजुकेशन सिस्टम हमसे हज़ारों गुना ज़्यादा बेहतर है। बिल्कुल, एजुकेशन का ही तो रोल है, एजुकेशन करते हैं और उनकी उनके हर घर में, हर घर में जो है मैं कहती हूँ कि ऐसी लड़कियां हैं, ऐसे बच्चे हैं जिनमें बहुत सारा हुनर पाया जाता है। डेफिनेटली ज़्यादा है, आई थिंक अपकमिंग कंट्रीज़ में इट इज़ गोइंग टू बिकम समथिंग क्लोसर टू अ सुपर पावर, जैसे चाइना बहुत आगे आ रहा है क्योंकि वो लोग ख़वातीन को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, दे रियलाइज़ कि वो इक्वल सेगमेंट है आपका, बराबर का है सेगमेंट। बट द थिंग इज़ कि अभी दे ऑल्सो हैव टू गो लॉन्ग वे, जिस तरह हमें भी काफ़ी अभी ज़रूरत है, बट दे आर डूइंग अ गुड जॉब, आई थिंक दे आर डूइंग अ गुड जॉब एज फार एज एजुकेशन इज़ कंसर्न। फुल टाइम स्कूल्स हैं उनके, यू नो 4 o'clock तक दे आर टीचिंग देयर चिल्ड्रन, तो आई थिंक हमारे हमें भी थोड़ा सा वी नीड टू लुक इन टू आर सिस्टम्स फॉर फीमेल, ताकि उनको भी आगे आएँ, उन लोगों को भी मौका मिले एंड हमारी कंट्री भी प्रॉस्पर करे। जी इसी वजह से, क्योंकि बड़ी हो रही भाई पहले बताया पाकिस्तान में जो है वो वुमेन के लिए चीज़ें गलत समझी जाती हैं, हमारी सोसाइटी में कुछ चीज़ें ऐसी हैं उन्हें लिबर्टी नहीं दी जाती, उन्हें बचपन से उस एजुकेशन की तरफ नहीं लाया जाता कि कल को उन्होंने जाके पायलट भी बनने हैं, उस तरह बहुत ज़्यादा कम लोग इस तरह के सोचते हैं। पाकिस्तान से लड़के चाइना भेज जाती है, इंडिया जो है इस चीज में बहुत ज़्यादा आगे। अमेरिका का अगर देखा जाए वहाँ पे जो लोग हैं उन्होंने अपना ज़्यादा टेक्नोलॉजी की तरफ, अपनी जो उनका माइंड है वो टेक्नोलॉजी की तरफ उन्होंने लगाया हुआ है, उन्होंने इस वजह से वहाँ की जो रेशो है वो इंडिया से कम है। अगर आप देखें ना, अगर आप रेप केसेस निकालें तो इंडिया में सबसे ज्यादा होते हैं, यानी वहाँ जहालत भी बेतहाशा है। इंडिया की आबादी बहुत ज्यादा है, अगर आप देखा जाए ना तो इंडिया एक कॉन्टिनेंट बन सकता है पूरा, इतनी आबादी है इंडिया की, पाकिस्तान मुकाबले में बहुत अभी जलन हो रही है, कमियां निकाल रहे हैं, निकालेंगे तो कमी निकलेगी यहाँ पर, अभी ये चीज नहीं देखेंगे कि हमें सीखना चाहिए। फिर पाकिस्तान और इंडिया बर्रे सगीर में इंटेलिजेंट लोग ज्यादा है, अरे बाहर के वेस्ट की निस्बत आप देखें बाहर की ज्यादा होती है उधर, तो अगर यहाँ पे कम होने की वजह एक तो शऊर की कमी है, लेकिन इंडिया में अगर आप देखें वहाँ भी शऊर की बहुत कमी है, रेप केसेस बहुत होते हैं, ख्वातीन के साथ बहुत बुरा सलूक किया जाता है, वो आप यहाँ सोच नहीं सकते जो वहाँ होता है। आप जैसे हाल नहीं है मैडम जी, क्योंकि पढ़ने वाले लोग सजा मिलती है, अपॉर्चुनिटीज मिलती है, देखे ना तो इंडिया को जितनी अपॉर्चुनिटीज मिलती है पाकिस्तान को नहीं मिलती। मैं अप्लाई करती हूँ, मुझे पता है, मुझे हर जगह में हर जगह इंडिया को अपॉर्चुनिटीज मिलती हुई नजर आती है, उनके लिए स्कॉलरशिप्स आते हैं, बाहर जाके पढ़ते हैं, नासा में जाते हैं, खलाओं में उड़ रहे हैं खवातीन उनकी, और पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज भी कम है। हर फील्ड में इंडियन वुमेन जो है हर फील्ड में बहुत ज़्यादा तरक्की कर रही हैं। फॉर एग्जांपल देखा जाए तो पेप्सी की जो सीईओ है वो भी उसके ताल्लुक भी इंडियन रीजन से है वुमेन का, और पूरा पेप्सी स्पॉन्सर करता है भाई पाकिस्तान का, आपको मैं बता दूं उनका ताल्लुक भी इंडियन रीजन से है, तो इस हवाले से आप क्या रहे। देखें अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में भी शायद आपने नाम सुना हो बेनज़ीर भुट्टो का, ठीक है, उन्होंने भी पाकिस्तान के लिए बड़ी कुर्बानियां दी, आज भी उनका नाम हर घर में कहते हैं ना बजता है एग्जैक्टली उसी तरह। लेकिन मैं कहना ये चाहूँगी कि काबिलियत हमारे मुल्क में भी उतनी है जितनी उस मुल्क में है, पाकिस्तान में भी देखा जाए तो लड़कियाँ जो हैं वो घर वालों का नाम रोशन करती हैं, तरबियत के लिहाज से, एजुकेशन के लिहाज से, हर लिहाज से लड़कियाँ ज़्यादा जिम्मेदार होती हैं, वो बेशक इंडिया की हों या पाकिस्तान की। अब आप देखें कि ज़्यादातर अगर हम टीवी चैनल्स देखें इंडिया के या पाकिस्तान के, तो आपको हर टीवी चैनल पे हर जो है खातून ही ज़्यादातर नज़र आएंगी, और अगर इंडिया में इस तरह से वो आगे आ रही हैं तो इसका मतलब यह है कि वहाँ पर उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं। अगर आप यहाँ की लड़कियों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ डिवेल्प करेंगे तो आप उनमें भी ये काबिलियत नज़र आएगी। बात यह है कि सिर्फ मौका मिलने की देर है, काबिलियत यहाँ पर भी कम नहीं है।
मौका डिफरेंसेस हैं। देखिए जब वेस्टर्न एजुकेशन वहाँ पे आई थी ना, तो आई थिंक हिंदुओं ने उसे ज़रा ज़्यादा एक्सेप्टेबिलिटी के साथ अडॉप्ट किया था। हमारा क्योंकि ज़रा इस्लामिक माइंडसेट है, यही तो बात है। आपको पता है हजरत खदीजा वाज अ बिजनेस लेडी, इफ यू नो कि उनके एजुकेशन में तो सिस्टम है, लेकिन थोड़ा सा कंजर्वेटिव माइंडसेट है इसलिए हम उनसे पीछे हैं। लेकिन उनकी एजुकेशन सिस्टम, उनका सारा एडवांस्ड, क्योंकि वो लोग हो चुके हैं, तो डेफिनेटली दे आर अहेड ऑफ अस। मतलब अगर आप कंपैरिजन करें तो आई थिंक हमारी एजुकेशन सिस्टम, और ये अगर थोड़ा सा इम्प्रूव और फोकस करें, एजुकेशन बजट बढ़ा दें, तो हमारी खवातीन हैव अ लॉट ऑफ टैलेंट, लॉट ऑफ बैंकिंग सेक्टर में आ रही हैं, डॉक्टर्स आपको पता है बन रही हैं, एयरफोर्स के अंदर भी आ रही हैं, बट स्टिल वी नीड मोर। उम्मीद करते हैं आप लोग ऐसे ही तरक्की करो। उनके हकूक दिए जाते नहीं, सीरियसली स्पीकिंग नहीं। अगर मतलब मी बीइंग अ प्रोफेशनल, आई थिंक मेरे जो काउंटर पार्ट्स हैं, मेरा अगर उतना इक्वल एक्सपीरियंस है 20-25 इयर्स का, तो मेरे काउंटर पार्ट्स की सैलरी जो होगी ना, वो मेरे से डबल है, मेल। आई एम टॉकिंग अबाउट, यही तो रीजन है मैम, मी बीइंग अ फीमेल, बीइंग अ प्रॉपर प्रोफेशनल, यू नो, फॉर द लास्ट 25 इयर्स, मेरी सैलरी उनसे हाफ है। तो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट फीमेल राइट्स, तो नहीं, अभी हम बहुत पीछे हैं। We need to really work on gender, female, that is, we really need to give them their rights. जी तो नाज़रीन, मैं उम्मीद करती हूँ मेरा आज का प्रोग्राम आपको बेहद पसंद आया होगा। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए मेरा YouTube चैनल, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच। पाकिस्तान की लड़कियों को हो रही है जलन, पाकिस्तान की लड़कियां क्यों जल रही है इंडिया से, क्या ऐसा हो रहा है कि उनको जलन हो रही है, उन्होंने अपने दुख दर्द जो अपने जायज मतलब कर दिया है कि हमें क्या दुख दर्द है। दोस्तों पाकिस्तान के अंदर आपको मैं बता दूं, महिलाओं के साथ बहुत ही गलत व्यवहार होता है। मतलब कि यार आप इस बात से समझ सकते हो, जहां पर एक ही काम को करने के एक व्यक्ति मतलब एक मेल 20,000 रुपए ले रहा है, तो फीमेल को वही काम 10,000 रुपए में करने पर मजबूर किया जाता है। तुम्हें करना है तो करो या मत करो, ये सोचकर महिलाएं घर से नहीं निकलते हैं। दूसरा इनका एजुकेशन, वहां पर महिलाओं के राइट्स भी कुछ नहीं है। अगर महिला किसी महिला के साथ कुछ प्रताड़ना हो जाए तो सबसे पहले पुलिस उसकी रिपोर्ट ही नहीं लिखती है, दूसरी लिखी देती है तो उसी के ऊपर कुछ ना कुछ गलतियां थोप देती है। तो यही चल रहा है अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में, इसी के ऊपर महिलाएं जो है अपनी राय दे रही है कि उनके साथ क्या गलत हो रहा है, कि इंडिया कितना बेहतर है हमसे, इंडिया हमसे कितना आगे निकल चुका है, लेकिन पाकिस्तान आज भी वही काम वही है, सिर्फ और सिर्फ अपने इस्लामिक माइंडसेट के कारण। तो चलिए इस वीडियो को देख लेते हैं, वीडियो के बाद में बात करेंगे इसी बारे में। चलिए तो दोस्तों आपने देख लिया वीडियो को, अगर आपको वीडियो में क्या समझ में आ रहा है यार, हमें देखो ये दिख रहा है कि पाकिस्तान, अपना पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, जो कि आतंकवाद को बढ़ावा देता है, कभी आगे बढ़ने की नहीं सोचता, पैसे जरूरत होती है तो भीख मांग लेता है, और आगे इनको बढ़ना ही नहीं है, क्या तरक्की करना, पैसा लगता है तरक्की में, इनको तरक्की करना नहीं है, इन्हें वही अपनी दाल फूस खानी है। लेकिन जब ये महिलाओं की बात आती है तो महिलाओं की इतनी लड़कियां, महिलाओं की आपने वीडियो में देखा होगा कि उनका कहना क्या है कि हमारे को यहाँ पर इंडिया की तरह मतलब जो है एक रक्षा नहीं कर सकते, हमारी रक्षा नहीं मिल सकती, कि हमें हमारे साथ गलत हो जाता है तो उसका कोई सुनवाई नहीं होती है। बल्कि इंडिया में जो है बहुत ही अच्छी जो रूल्स है कि वहां पे अगर कोई गलत करता है महिला के साथ तो उसको जो है इंसानियत के नाते भी बड़ा अच्छे से फैसला दिया जाता है, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल अपोजिट है। महिला जिस कार्य को करने में एक आदमी 20,000 रुपए लेता है, उस महिला को वही काम 10,000 करने पर मजबूर किया जाता है, और यही कारण रहता है। और एक उनका एजुकेशन सिस्टम, महिलाओं को कभी इस बारे में नहीं मतलब उनको पढ़ाते समय ये नहीं बोला जाता कि आपको आगे जाके पायलट बनना, आपको इंजीनियर बनना, नहीं, उन पे ऐसा कोई जो है उनके ऊपर प्रभाव नहीं डाला गया कि वो आगे जाके कुछ सपने सोच सके। तो यहां से ही जो बोलते हैं कि भाई जो घर बनता है उसकी स्टार्टिंग एक नीम से होती है, अगर नीम मजबूत होती है तो सब कुछ मजबूत होता है। इस देश का आने वाला भविष्य इसके बच्चे और यंगस्टर है, अगर उन्हीं के पास अच्छी तालीम शिक्षा नहीं होगी तो आगे क्या सोचेंगे, क्या फैसले लेंगे, क्या समझ पाएंगे कि गलत क्या और सही क्या है। गवर्नमेंट के ऊपर बात की गई है कि पाकिस्तान में फीमेल्स की जो मेन चीज है वो क्या, क्यों उसको जो है वो लोग ज्यादातर जो है वो इतनी डाउन है, और इंडिया में और पाकिस्तान की वुमेन की जो इक्वालिटी है उसमें क्यों इतना डिफरेंस आ जाता है।
तो जाहिर सी बात है कि अब उसमें काफ़ी फीमेल्स ने बहुत अच्छे से आंसर भी किया कि वहाँ पर सपोर्ट में फर्स्ट आता है सपोर्ट, कि वहाँ पर सपोर्ट किया जाता है और वहाँ पर इनकरेज किया जाता है कि तुम कर सकती हो। और वहाँ पर होता भी ऐसा है कि अब देखो पॉलिटिक्स में हो गया, सीईओज में हो गया, बहुत सारी ऐसी फील्ड्स हैं जिसमें इंडियन वीमेंस जो हैं वो आपको नज़र आती हैं, स्पेशली पायलट्स नज़र आती हैं और बहुत सारी। लेकिन अगर हम यहाँ की बात करते हैं तो हमारे यहाँ भी अब पहले से अब चीज़ें चेंज होना स्टार्ट हो चुकी हैं, ऐसा नहीं है कि अब उनको इनकरेज नहीं किया जाता। हाँ, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे फैमिलीज हैं जो कि छोटी सोच की हैं और वो हमेशा पुरानी सोच ही रखती हैं और वो इनकरेज नहीं करती बल्कि डिस्करेज कर रही होती हैं। तो हमारे यहाँ पर जो मेन मसला आता है वो है इनकरेजमेंट का, जो कि बहुत ही मसला, बड़ा मसला है, मेजर इशू है, और वो है इनकरेजमेंट का। तो अगर ये लोग फीमेल्स को इनकरेज करेंगे तो मुझे लगता है कि फीमेल्स बहुत आगे जा सकती हैं और वो काफ़ी अच्छी चीज़ें कर सकती हैं। जैसे कि सना अमजद ने भी कहा कि बेनज़ीर भुट्टो को भी तो वो भी तो पाकिस्तान से ही थी और उन्होंने भी, उनका भी तो पूरी दुनिया में उनका नाम है, पाकिस्तान के हर घर में उनका नाम चलता है, तो वो भी एक एग्जाम्पल है। तो अगर ऐसा नहीं है कि टैलेंट सिर्फ इंडिया में है, टैलेंट पाकिस्तान में भी है, लेकिन चीज़ ये है कि उनको दबा दिया जाता है, उस टैलेंट को निकलने नहीं दिया जाता। सैलरी की बात अगर करें तो देखो ये डिपेंड करता है, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। मैंने ऐसा भी देखा है कि आप अगर सैलरी की बात पे, मैं बिल्कुल एग्री नहीं करती कि सैलरी फीमेल्स को कम दी जाती है, ये डिपेंड करता है आपकी पोस्ट के ऊपर। अगर आपकी पोस्ट अच्छी है तो आपको जाहिर सी बात है सैलरी अच्छी ही मिलेगी। फिर ये मैटर नहीं करता कि आप मेल, उस पोस्ट पे मेल बैठा है या फीमेल बैठी है, वहाँ पर बस ये देखा जाता है कि पोस्ट क्या है और पोस्ट की सैलरी क्या है, ठीक है। तो अब ये बात तो मुझे समझ नहीं आई कि उनको इतनी सैलरी कम क्यों मिल रही है, या फिर वो उस उनसे जिनसे अपने आप को कंपेयर कर रही हैं उनसे सैलरी उनकी कम होगी, क्योंकि ये तो मैंने कभी इस तरह की कोई चीज़ नहीं देखी है। दूसरी बात ये हो गई कि यहाँ पर जो एजुकेशन का सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। हमारे यहाँ पर एजुकेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, जो कि इंडिया में अगर देखें तो वहाँ पर एजुकेशन ही मेन उनका चीज़ है, जो कि एजुकेशन अच्छी है। जाहिर सी बात है जब आपकी बेस अच्छी होगी, आपकी एजुकेशन अच्छी होगी, तो आप आगे बढ़ोगे, आप लोग और मज़ीद रिसर्च करोगे और अच्छे इंस्टीट्यूशन में जाओगे। जब आप ऑलरेडी आपका एजुकेशन, आपकी बेस ही सही नहीं है, तो आप आगे कैसे बढ़ोगे, ये एक क्वेश्चन मार्क है। अब इंटरनेशनल लेवल पर आप कंट्रीज़ के देखें तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होती है, वहाँ पर बहुत चीज़ें हैं जो चेंज होती जा रही हैं। लेकिन अगर उसी को हम पाकिस्तान में देखते हैं तो वो चीज़ें चेंज होते हुए हमें नज़र नहीं आती हैं। एनीवेज काफ़ी चीज़ें ऐसा नहीं है कि चेंज नहीं हुई हैं, अभी लोगों की आहिस्ता आहिस्ता डे बाय डे चीज़ें चेंज हो रही हैं और मज़ीद होंगी कंटिन्यूसली। लेकिन ये है कि उनको बस इनक्रेज करने की ज़रूरत है और एजुकेशन पे फोकस करने की ज़रूरत है। और हमारे कुछ ऐसे एरिया भी हैं जहाँ पर लोग एजुकेशन गर्ल्स को अलाउ ही नहीं है, और उनमें से एक ने कहा कि मैरिड शेरिड का सीन हो जाता है कि वो जैसे ही 18+ होती हैं तो उनको जो है वो उनकी मैरिड के बारे में सोचना शुरू हो जाता है, मतलब मैरिज के बारे में। तो ये चीज़ एक वाकई में सही है कि यहाँ पर यही होता है कि तुमने करना क्या है, ये वो इस तरह के क्वेश्चन मार्क्स बहुत ज़्यादा उठ जाते हैं। तो ये वो लोग कहते हैं कि जस्ट ठीक है, मैट्रिक कर लिया, इंटर कर लिया, दैट्स इट। तो ये एक कॉन्सेप्ट को जो है वो चेंज करने की ज़रूरत है। और मुझे ये लगता है कि एजुकेशन अगर आपके पास है तो आपको लाइफ में कभी भी किसी के आगे गिरना नहीं पड़ेगा, आपके पास इतनी एबिलिटी होगी कि आप कुछ ना कुछ कर सकते हो अपने लिए। और अगर आपके पास एजुकेशन नहीं है तो मुझे लगता है कि आपको फिर आप लाइफ में कुछ भी नहीं हो, आप बस एक ऐसा सिक्का हो जिसका कोई वैल्यू ही नहीं है, ठीक है ना। तो आपने बस अपनी हर गर्ल को या बॉय या मेल जो भी है उनको अपनी अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करना है, गवर्नमेंट को अच्छे एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। इंडिया में बेसिकली एजुकेशन अच्छी है, स्ट्रांग है, वहाँ पर वहाँ का बैगर जो है ना उसको भी अच्छी इंग्लिश आती है, हमारे यहाँ पर तो इंग्लिश भी अच्छी किसी को सही से नहीं आती है। तो मेन चीज़ यह है कि हमारी ये चीज़ें हम लैक कर रहे हैं, अगर ये चीज़ें हमारी अच्छी हो जाएंगी तो मुझे लगता है कि हम इन फ्यूचर में हम लोग बहुत ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं और पायलट भी होंगे। ऐसा नहीं है पायलट अभी नहीं है, पायलट अभी भी हैं, लेकिन
इन फ्यूचर और मजीद पायलट हमें देखने को मिलेंगे पाकिस्तान में और वो फीमेल्स होंगी। और अभी भी ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में कोई प्रोफेशनल तौर पर लड़कियां काम नहीं कर रही। आप एयरपोर्ट में नज़र आएंगी आपको पाकिस्तानी गर्ल्स आपको हर जगह पर नज़र आती हैं, लेकिन मसला ये है कि यहाँ पर जो एजुकेशन का सिस्टम है वो आगे किस तरह से डे बाई डे इंक्रीज़ होता है वो देखना है, तो गवर्नमेंट को इसके ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। तो खैर ये थी हमारी आज की वीडियो एंड आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर कीजिएगा और कंपैरिजन बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडियन फीमेल के बारे में सो ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर, बाय।